हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लव हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडियम एंड फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होंगे व्हाट ऐसे। बट बिफोर वी विल यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो जो फर्स्ट है सिट ऑन द फेंस मीन नॉट टू कमिट वन सेल्फ मीन एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूट्रैलिटी को दिखाना, किसी चीज़ में पार्ट ना लेना, उसके लिए यूज़ करते हैं सिट ऑन द फेंस। जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पे दो ग्रुप में बहस छिड़ी हुई है बट उसमें आपका जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ नहीं है, मीन यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, मीन आप इग्नोर कर रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन दैट आर्गूमेंट। या फिर नेक्स्ट स्मेल रेट टू बी सस्पिशियस मीन बहुत सकी स्वभाव का होना, हर वक्त किसी पे शक करना, किसी भी बात पे शक करना, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम स्मेल रैट। सेड क्रोकोडाइल स्टीयर टू अ फॉल्स एरो या झूठे आंसू बहाना, उसके लिए यूज़ करते हैं सेड क्रोकोडाइल्स टीयर। स्प्लिट ईयर्स मीन टू किसी भी ट्रिवल मैटर पे बहस करना, ऐसे चीज़ पे डिस्कस करना जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो बट उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसके बहस को खींचना, उसके लिए यूज़ करते हैं स्प्लिट हेयर। नेक्स्ट स्टैंड इन अ गुड स्टेड मीन टू बी हेल्पफुल इन नीड, मतलब किसी की मदद करना, किसी आवश्यकता अनुसार किसी की सहायता करना, उसके लिए करते हैं स्टैंड इन अ गुड स्टेड। सो वाइट फीलर मीन टू सो कावर्डिस मीन एक तरीके से कह सकते हैं कि पीठ दिखाना, या फिर आप उससे कह दें कि हाँ मैं मदद करूँगा बट उसकी मदद ना करना, मीन सोइंग द वाइट फीदर्स। फीदर्स मीन्स पंख होता है। सी आई टू आई मीन्स टू एग्री ऑन समथिंग या किसी बात से सहमत होना, किसी से सहमत होना, या उसके लिए दूसरा एक लैटिन मैक्सिम है कंसेंसस एडिडम मीन किसी चीज़ पे सहमत होना या एग्री होना या एकीड होना। सेट स्टोर बाय टू वैल्यू समथिंग किसी चीज़ की मापना या उसको वैल्यू देना मीन सेट स्टोर। स्नैप वन्स फिंगर एट मीन किसी को उंगली दिखाना, मीन किसी को कंटेम्प्ट करना या फिर किसी को नीचे दिखाना। स्नैप वन्स फिंगर मीन्स टू सो कंटेम्प्ट। स्पीक वॉल्यूम फॉर मीन टू हैव द एविडेंट प्रूफ या फिर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ टू प्रूव समथिंग, आपके पास जब काफ़ी मात्रा में एविडेंस होते हैं किसी बात को सपोर्ट करने के लिए, देन वी यूज़ द इडियम स्पीक वॉल्यूम ऑफ मीन यू हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट। स्टील अ मार्च मीन्स टू गेट अहेड सीक्रेटली, मतलब छुपके से आगे निकल जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टील अ मार्च मीन जैसे कोई अगर बच्चा है जो क्लास के टाइम में पढ़ता ही पढ़ता है बट वो अगर लंच के टाइम में भी पढ़ता है देन ही इज़ स्टीलिंग अ मार्च, एक तरीके से वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। स्टीयर क्लियर ऑफ मीन टू अवॉइड या किसी चीज़ से दूरी बनाना या करना, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम स्टीयर क्लियर ऑफ या फिर टू गिव वाइड बर्थ मीन टू एस्क्यू समवन या समथिंग, किसी चीज़ से दूरी बनाना। स्वान सॉन्ग मीन लास्ट क्रिएशन, मतलब जो किसी भी पर्सन का आखिरी किया गया काम उसके बोलते हैं स्वान सॉन्ग। जैसे अगर कोई पर्सन है उसने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है बट उसके बाद उसका डेथ हो जाता है, देन द सॉन्ग ऑफ दैट पर्सन वुड बी दैट बुक, वो बुक जो उसने लिखी है। स्नेक इन द ग्रास मीन्स लेटेंट इन मी मीन्स जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं उनको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। जो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो अक्सर पबजी प्लेयर्स फेस करते हैं लास्ट जोन में, स्नेक इन द ग्रास मीन लेटेंट इन मी। सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मीन्स फेसिंग एन एमिनेंट डेंजर मीन
जब तलवार आपके गले पे लटक रही हो उसके लिए यूज़ करते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। मीन्स आपको मान लीजिए एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है विद इन 2 डेज और आपके पास सोर्सेस नहीं है, देन इन दैट कंडीशन द स्वॉर्ड्स विल स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स इज अ फिट एडियम। सेल अंडर अ फॉल्स कलर्स मीन टू हाइपो क्रेट या फॉल्स अपेयरेंस, या फिर कह सकते हैं पाखंडी होना। सेल अंडर अ फॉल्स कलर मीन पाखंडी होना। नेक्स्ट सेपरेटियन लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ एस्थेटिक या फिर अ पर्सन ऑफ द ग्रेट करेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब जो किसी से डरता ना हो, वो बहुत करेजियस हो प्लस सेल्फ डिसिप्लिन हो, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम सेपरेटियन लाइफ। सेट पीपल बाय ईयर मीन्स टू प्रोक समिंग या समवन या इनसाइट समवन, मतलब किसी की कान किसी का या किसी के कान को भरना। आ स्कारलेट वुमेन मीन्स आ वुमेन विद अ लूज मोरल, मीन आ लेडी आर वुमेन विद अ बैड मोरल या फिर बैड बिहेवियर। टू सेट थेम ऑन द फायर मीन टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। बेसिकली थेम्स जो है वो है रिवर है एक इंग्लैंड में, और उसी से एडियम है कि टू सेट थेम्स ऑन फायर मीन टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसा चीज़ को अचीव करना जो कि इम्पॉसिबल हो आपके लिए। स्वीट ऑफ द ब्रोमीन हार्ड वर्क, स्वीट ऑफ द ब्रो मीन्स मेहनत करना या हार्ड वर्क करना। स्टील समवन स्टैंडर्ड मीन टू मेक अ बेटर इम्प्रेशन, मीन आप किसी के इम्प्रेशन को जब ओवरकम कर लेते हैं या उसके इम्प्रेशन को कॉपी कर लेते हैं और के सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हैं, देन जो इडियम यूज़ करते हैं वो है स्टील समोस टेंडर। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर मीन कैंडिडली, मतलब खुले दिल से जब कोई आपका कोई स्वागत करता है या फिर बुलाता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। सॉफ्ट लिफ्टर मीन ऐसा कोई पर्सन जो शॉप से कुछ चीज़ें चुरा लेता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं सॉफ्ट लिफ्टर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये लेडी बाय तो करने गई है कुछ गुड्स को, बट यहाँ से कुछ उठा के अपने बैग में भी ये डाल लेती है। मीन सॉफ्ट लिफ्टर वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप। स्पिक एंड स्पेन मीन इन एन ऑर्डर, मीन एक क्रमबद्ध में होना, एक सिरे में होना, उसके लिए यूज़ करते हैं स्पिक एंड स्पेन। या दूसरा ईडियम हो सकता है एप्पल पाई मीन इन एन ऑर्डर। शूट इन द आर्म्स मीन इनक्रेजिंग समथिंग, जो आपको खुश करने के लिए इनक्रेज करे, जैसे मोटिवेशनल वीडियोज़ हो गए या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज हो गए, देन दैट थिंग इज अ शूटिंग इन द आर्म्स मीन वो आपको चीज़ें इनक्रेज करती हैं। समथिंग अप इन वन स्लीव्स मीन समथिंग इन समथिंग अप इन वन स्लीव मीन अ सीक्रेट प्लान, जिसे प्लान बी भी कहते हैं, उसे कहते हैं समथिंग अप वन स्लीव मीन कुछ सीक्रेट करना। सेंड अबाउट वन बिजनेस, सेंड अबाउट वंस बिजनेस टू डिसमिस समवन फ्रॉम हिज बिजनेस, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम सेंड अबाउट वंस बिजनेस। स्मॉल फ्राई मीन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब एक तुच्छ आदमी, ट्रिवियल पर्सन या फिर बैड पर्सन, उसके लिए यूज़ करते हैं स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई। सीमी साइड ऑफ लाइफ मीन इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी, जो इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी उसके लिए यूज़ करते हैं सीमी साइड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्पिल द बीन्स मीन टू गिव इंफॉर्मेशन, या किसी बात को डिस्क्लोज करना, प्रकट करना, या किसी भी पर्सन को एक्सपोज करना, किसी भी मैटर को एक्सपोज करना, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोज करना, उसके लिए यूज़ करते हैं स्पिल द बीन्स। नाउ इट्स टाइम टू सेगिड वीडियो।
Until we meet in the next video, till first like, share and subscribe this video. Thank you.